नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हाउ टू लर्न एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, धनिया ना सिर्फ आपके खाने का जायका बढ़ाता है बल्कि इससे आपकी किस्मत को चमकाने के लिए कुछ उपाय भी किए जा सकते हैं। धनिया का प्रयोग कई चीजों के लिए किया जाता है लेकिन टोटके में इसका इस्तेमाल बहुत ही कारगर सिद्ध होता है, तंत्र शास्त्र की अगर माने। दोस्तों, शास्त्रों में बताए गए कुछ उपाय इतने शक्तिशाली व चमत्कारी होते हैं कि जिन्हें करते ही परिणाम देखने को मिलता है। जिस प्रकार से कुछ खास मंत्र होते हैं जो कि चमत्कारी होते हैं, जिन्हें करते ही सामने वाला व्यक्ति प्रभावित हो जाता है। जिस प्रकार से वशीकरण मंत्र होता है जिसे याद करते ही सामने वाला व्यक्ति वशीभूत हो जाता है, उसी प्रकार हमारे ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जो कि अपने आप में ही चमत्कारी और विशेष होते हैं, जिन्हें करते ही परिणाम देखने को मिलते हैं। इन उपायों को कर देने मात्र से ही धन का आगमन शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोगों के जीवन में ये परेशानी रहती है कि वे जीवन में जितना भी प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन धन उन्हें मिल ही नहीं पाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हम आपको उपाय बताएंगे, एक बार इसे अपना कर देखिए और वीडियो को पूरा अंत तक देखिए ताकि आपको पूरे उपाय की जानकारी हो सके। एक बार इस उपाय को अपना करके देखिए, निश्चित रूप से ही धन का आगमन शुरू हो जाएगा। तो इसके उपाय करने से ना सिर्फ घर में आपकी सुख शांति का वास हो सकता है बल्कि आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो सकती है, लेकिन इसका कोई वैज्ञानिक आधार तो है नहीं, इसलिए आपको पूरे विश्वास के साथ इस धनिया के उपाय को करना होगा। फिर धनिया के ये टोटके आम प्रचलन में आ जाते हैं। आइए जानते हैं कि क्या है ये उपाय। तंत्र शास्त्र में बताया गया है किसी भी माह के शुक्ल पक्ष की मंगलवार या फिर गुरुवार को किसी भी मिट्टी के बर्तन में थोड़ा सा सूखा धनिया और उसमें एक रुपए का सिक्का डालकर उसमें थोड़ा सा पानी डाल दे और उसे मिक्स कर लीजिए। इसके बाद इस बर्तन को घर के आपके उत्तर दिशा में या फिर पूर्व दिशा में जो कोई कोना हो वहां पर छुपा कर रख दीजिए। जब धनिया पूरी तरह से उग जाए यानी कि उसमें हरे हरे पत्ते आपको दिखने लगे तो उसमें से उस सिक्के को ढूंढ करके निकाल लीजिए और उस एक रुपए के सिक्के को बांध करके अपने घर के मंदिर में रख दीजिए और माता लक्ष्मी की तस्वीर के पीछे ही रखे या फिर भगवान विष्णु या फिर गणेश जी की मूर्ति के पीछे रखें अगर माता लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति नहीं है तो। और आप माता लक्ष्मी से या फिर जिस भी भगवान के पीछे आपने रखा है उन भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि मेरे घर में हमेशा के लिए लक्ष्मी का वास हो और हमारे घर में कभी भी कंगाली या फिर गरीबी ना आए, हमें हमेशा ही धन दौलत और शोहरत सुख शांति का मुंह देखने को मिले। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति आपके घर से चला गया है या फिर आपका कोई धन लेकर भाग गया है, आपने किसी को धन उधार दिया था वह वापस नहीं कर रहा है, तो आप एक लाल कपड़े में थोड़ा सा सूखा धनिया, थोड़ा सा अर्थात एक मुट्ठी तो कम से कम आपको सूखा धनिया उसमें बांध करके हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दीजिए। अगर कोई व्यक्ति घर से भाग गया है तो उसका नाम लेकर उसके वापस आने की प्रार्थना करें। और अगर कोई आपका कर्ज लेकर चला गया है, आपसे पैसे लेकर उधार लेकर चला गया है, तो हनुमान जी से हाथ जोड़कर कहें कि मेरा कर्ज उस व्यक्ति ने इतने रुपए या इतना सामान कर्ज लिया था, उसे मेरे वापस दिलाने की कृपा करें। और एक बार हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें, आपकी समस्या भगवान के अवगत कराई जाएगी। और ऐसी प्रार्थना करते हुए बजरंग बली का ध्यान करें और आपकी प्रार्थना इतनी जल्दी पूरी होगी कि आप सोच नहीं सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका पैसा कहीं अटका हुआ है और लाख कोशिश करने के बाद भी आपको नहीं मिल रहा, तो आप किसी भी शुक्रवार के दिन एक कागज पर पैसे लेने वाले का नाम लिख दीजिए और उस पर थोड़ा सा सूखा धनिया डालकर इसकी एक पुड़िया बना ले, फिर उस पुड़िया को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दे। ध्यान रखें, ऐसा करते वक्त कोई आपको टोके नहीं, इसलिए ऐसा भी ध्यान रख सकते हैं कि कोई आपको देखे ही नहीं। अगर देख ले कोई बात नहीं, लेकिन आपको टोकना नहीं चाहिए। इस उपाय से ना सिर्फ आपका अटका हुआ पैसा मिल जाएगा बल्कि आपके घर में धन आने के सभी मार्ग भी खुल जाएंगे। दोस्तों, अगर आपके घर में सुख शांति नहीं है, लड़ाई झगड़ा होता रहता है, सुख शांति बिल्कुल भी नहीं है, तो आप अपने घर की पूर्व दिशा में थोड़ा सा सूखा धनिया रख दें और आपके घर में हमेशा ही सुख शांति का वास हो जाएगा और माता लक्ष्मी हमेशा के लिए आपके घर की तिजोरी में विराजमान हो जाएंगी। दोस्तों, अगर आपके पास पैसा नहीं टिकता और आपकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है, तो आप थोड़ा सा हरा धनिया जो कि सर्दियों में मिल जाता है बड़े आराम से, गर्मियों में मिल जाता है लेकिन सर्दियों में बहुत आराम से मिल जाता है, लेकर के आप किसी भी गाय को खिला दीजिए। ऐसा उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति ठीक होने लगती है और आपके खर्चे भी कम हो जाते हैं। इससे आपके घर में धन इकट्ठा होने लगता है और आपके पास पैसा हमेशा के लिए टिकने लगता है। ऐसा तभी होता है जब माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर हो, इसलिए यह उपाय भी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको दिलाता है।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में केवल इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दे में जाता धन्यवाद, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, जय माता दी, जय बजरंगबली।